हेलो फ्रेंड, कल आपको जो है कंपटीशन ऑफ बैलेंस आसन में जो है बताया था कि गाय की जो है टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें 11.25 केजी डायमीटर, 0.925 केजी डीसीपी एंड 7.8 केजी टीडीएन इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब स्टेप नंबर है थर्ड, इस पर है अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड मिक्सचर, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड मिक्सचर। तो उस जो गाय है उसके लिए कितना कंसंट्रेटेड मिक्सचर देना है, इसके लिए सबसे पहले तो है कि हम फॉर बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर आपको देना है। बॉडी वेट चाहे 400 किलो है या 500 किलो है या 600 किलो है, ये गाय दूध दे रही है या नहीं दे रही है और वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर तो आपको हर एक गाय के लिए बॉडी मेंटेनेंस के लिए तो देना है। दूसरा है भी और 10 केजी मिल्क प्रोडक्शन, दस किलो जो दूध दे रही है, 10 किलो दूध के लिए हम जो है कितना दाना देना है वो इसके लिए और है। तो ये मान के चलते हैं कि गाय के लिए 3 किलो दूध पर 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर देना है। अगर गाय 3 किलो दूध दे रही है तो कितना देना है, 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर। और अगर ये भैंस है तो आपको 2.5 किलो दूध पर ही आपको 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर देना है। तो इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन है वो कर लीजिए, ऑन 3 केजी रिक्वायर्ड 1 केजी कंसंट्रेट मिक्सचर, रियल फॉर 1 केजी, अगर 1 किलो दूध देंगे तो 1/3 केजी, लेकिन वो गाय कितना दूध दे रही है, 10 किलो, तो 10 किलो के लिए कितना होगा, 1/3 × 10 बराबर 3.33 केजी कंसंट्रेट मिक्सचर। ये आपको किसके लिए देना है, दूध के लिए। तो ये यहाँ पर आ गया 3.33 केजी, ठीक है। अब आप इसका सी को है पार्ट, तीसरा उपज है हमारा सी फॉर प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी का मैंने बताया था 5 महीना या उसके बाद जो भी जाने तक उसको हम 1 किलो कंसंट्रेट मिक्सचर दे। और ये टोटल हो जाता है
केजी केजी कंसंट्रेट मिक्सचर। कुल मिला के हमें 5 किलो 330 ग्राम इसको कंसंट्रेट मिक्सचर देना है। अब जो थंब रूल मेथड था, तो थंब रूल मेथड में हम 40% केक्स, 40% ग्रेन्स और 20% बाई प्रोडक्ट में इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन वहाँ पर ये राशन बैलेंस नहीं होता था, इसलिए हम यहाँ पर इसको डीसीपी और टीडीएल बेस पर इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है फोर्थ। अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर इन कंसंट्रेट मिक्सचर, जो 5 किलो 330 ग्राम ड्राई मैटर है उसमें कंसंट्रेट मिक्सचर है उसमें ड्राई मैटर कितना होगा, तो वो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। क्योंकि जितने भी कंसंट्रेट के इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे उसमें केक्स हों, ग्रेन्स हों या कोई बाय प्रोडक्ट हो, सभी में ड्राई मैटर 90% होता है, 90% ड्राई मैटर है। और जितने भी सूखे चारे हैं, जैसे व्हीट भूसा है या कोई स्ट्रॉज है, उनमें भी जो है 90% ड्राई मैटर होगा। और जो ग्रीन फॉडर है, बरसी भूसण और आपका काउपी है, क्लस्टर बीन है, इनमें जो है उसके अलग अलग मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 kg कंसंट्रेट मिक्सचर कंटेन 90 kg ड्राई मैटर इन 1 kg, 90/100। और हमारे पास कंसंट्रेट की जो कुल अमाउंट कितनी है वह है 5.33 kg। तो ये हो जाएगा आपका 90/100 मल्टीप्लाई बाई 5.33। तो ये अमाउंट आ जाएगी आपकी 27 ये आपका जो है 4.797 4.8 kg।
तो 4.8 केजी आपका इसमें ड्राई मैटर अपन दे चुके होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर टू बी गिवेन थ्रू रफेजेस। इसके लिए हम जो है एक छोटा सा फॉर्मूला है उससे इसको वैल्यू रख के सब कैलकुलेट कर लेंगे। तो वह है टोटल ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट माइनस ड्राई मैटर इन कंसंट्रेट मिक्सचर। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी 11.25 केजी जो रिक्वायरमेंट टेबल में है सबसे फर्स्ट, और ये जो है 4.8 केजी ये अपन कंसंट्रेट मिक्सचर के द्वारा ड्राई मैटर दे चुके हैं। इसलिए आ जाएगा आपका बराबर 0.6 केजी ड्राई। तो ये जो है हमें 4 से 6.45 केजी ड्राई मीटर आपको देना है। थैंक यू।